आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांच का विषय संस्कृत, पाठ नौ। पाठ का नाम है स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। तो आज हम स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए यहाँ पे देखिए, इतम, एतद, इदम, एतद, तत, किम, ये सब सारे क्या है, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग रूपों में दिया गया है। तो आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आइए हम इदम, एतद, तत और किम सर्वनामों के स्त्रीलिंग रूपों को समझें। दिया है आपका, इयम का अस्ति, यह क्या है, इयम बालिका अस्ति, यह बालिका। ऐसा का, यह कौन है, ऐसा माला, यह माला है। सा का अस्ति, यह कौन है, सा का अस्ति, वह कौन है, सा छात्रा अस्ति, वह छात्रा है। इमे के, वे कौन है, इमे बालिके, वे बालिके हैं। एते के अस्त, वे कौन है, एते माले अस्ता, वे माला है। ते के, वे सब कौन है, ते छात्रे, वे सब छात्र हैं। इमा का संति, वे सब कौन है, इमा बालिका संति, वे सब बालिका हैं। एता का, वहाँ कौन है, एता माला, वहाँ माला है। ता का संति, वहाँ सब कौन, वे सारी ता का संति, तुम सब कौन हो, ता छात्रा संति, तुम सब छात्रा हो। तो यहाँ पे आपका दिया गया स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। तो चलिए एक बार और हम पढ़ के बताते हैं। इयम का अस्ति, यह कौन है, इयम बालिका अस्ति, यह बालिका है। ऐसा का, वह कौन है, ऐसा माला, वह माला है। सा का अस्ति, वे सब कौन है, सा छात्रा अस्ति, वे सब छात्रा हैं। इमे के, वे कौन है, इमे बालिके, वे बालिके हैं। एते के अस्ता, वे सब कौन है, एते माले अस्ता, वे सब माला है। ते के, वहाँ कौन है, ते छात्रे, वहाँ छात्र हैं। इमा का संति, वह सब कौन है, इमा बालिका संति, वहाँ बालिका है। एता का, वहाँ क्या है, एता माला, वहाँ माला है। ता का संति, वहाँ क्या है, ता छात्रा संति, वे सब छात्र हैं। तो ऐसे ही आप स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द को पढ़ेंगे और आप इसे समझेंगे कि इतम, एतत, तत और किम सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लिंग के अनुसार क्रिया पदों में परिवर्तन नहीं होता, यथा यहाँ पे आपका पुल्लिंग है, अयम अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। स्त्रीलिंग आपका इयम अश्व अस्ति, यह घोड़ी है। तो यहाँ पे लिंग के अनुसार क्रिया पदों में परिवर्तन नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनामों के रूप, यहाँ पे सर्वनाम शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इदम पुल्लिंग, अयम इमो इमे, तो अयम आपका एक वचन, इमो आपका द्विवचन और इमे आपका बहुवचन। एतत पुलिंग, एसा एतो एते, एसा एते एता। तत सह तौ ते, सा ते ता। किम कह कौ के, का के का। तो आप इसे पढ़ेंगे और इसे आप याद भी करेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के रूप। ये आपका होमवर्क है, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे और इसे आप याद करेंगे। ध्यान दें कि इन सर्वनामों के पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग द्विवचन रूप एक है। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ स्पष्ट होते हैं, यथा पुल्लिंग बहुवचन, इमे बालिका, ये लड़के हैं। स्त्रीलिंग द्विवचन, इमे बालिके, ये दो लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका पुल्लिंग बहुवचन और स्त्रीलिंग द्विवचन में यहाँ पे आपके शब्द दिए, इसे आप पढ़ के अच्छे से समझेंगे। आज आपका क्लास यहीं ओवर हो रहा है। थैंक यू।